हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के निरचौक लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति चम्मच, टूथब्रश, चाकू निगल गया। ये व्यक्ति कई दिनों से पेट में ये लेकर घूम रहा था, लेकिन जब चाकू पेट फाड़ कर बाहर निकला तो उसके परिजन उसे अस्पताल ले आए। जानकारी के मुताबिक इस व्यक्ति के पेट से 7 चम्मच, 2 टूथब्रश, 1 चाकू, 1 रॉड और 2 पेचकश निकाले गए हैं, जिसका सफल ऑपरेशन डॉक्टर सूरज और डॉक्टर निखिल और उनकी टीम द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं इस अनोखी घटना पर मरीज के भाई व डॉक्टर का क्या कहना है। कल करीब 3 बजे हमारे पास एक पेशेंट रेफर होकर आया। बताया गया कि उसने एक नाइफ निकल लिया है, तो हम भी तुरंत कैजुअल्टी में गए, इमरजेंसी में देखा। जब चेक किया तो देखा कि नाइफ़ का जो नुकीला एंड है वो उसके पेट के अंदर से बाहर को निकला हुआ है। तो उसके बाद फिर हमने पेशेंट का एक्सरे कराया, तो एक्सरे में हमें बाकी चीज़ें भी नज़र आई, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स और स्पून्स काफ़ी थे। उसके बाद फिर हमने उसको पेशेंट को तुरंत ओटी में शिफ्ट किया और पेशेंट लगभग 2 घंटे के लिए पेशेंट का ऑपरेशन चला। और उसके बाद पेशेंट के पेट से हमने एक नाइफ, 8 स्पून्स, 2 स्क्रू ड्राइवर्स, 2 टूथब्रशेज निकाले और पेशेंट ऑपरेशन के बाद स्टेबल है। पेशेंट के अटेंडेंट्स ने बताया कि पेशेंट को पहले से ही साइकेट्री का डिसऑर्डर था, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहा था, और कभी अकेले में पेशेंट इस तरह की हरकत कर सकता है। और अभी चलो देखते हैं, अभी 3-4 दिन में हमें एग्जैक्ट पेशेंट की हालत का पता लग जाएगा। वैसे पेशेंट फिलहाल स्टेबल है। हमने भी अपनी बुक्स में तो पढ़ा था कि ऐसा होता है। वैसे यूजली आमतौर पर पेशेंट छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि कोई पिंस हो गया या कोई कॉइन हो गया वो निकलता है। इस तरह की बड़ी चीज़ें जैसे कि नाइफ या स्पून, ये काफ़ी बड़ी हैरानी की बात है कि पेशेंट इतना कुछ निकलने के बावजूद भी पेशेंट स्टेबल था। और पेशेंट को अटेंडेंट्स को ही तभी पता चला जब वो स्पून जो है उसके पेट से बाहर निकल कर आया। बहुत रेयर केस है ये। गले में भी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है उसके, कहीं अंदर भी कोई नहीं? ये भी बहुत ही हैरानी की बात है कि पेशेंट ने जब उसको स्पून को निकला होगा तो उसके जो खाने की नली, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, उसमें किसी तरह की कोई इंजरी नहीं थी। मेरा नाम मुनीश सैन है, मेरा छोटा भाई करण सैन है। इसको अभी ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते से थोड़ी दर्द बता रहा था पेट में, पेट खराब हो गया। बाद में थोड़े काम भी लगे हुए थे, थोड़ा हमने सोचा भी इसको वर्ल्ड सादा जो दाई वगैरह होती है वहाँ वो बुलाई, देखा इसको थोड़ा जार जैसा बन रहा था जी। क्लिनिक ले गया, उन्होंने बोला थोड़ा फोड़ा पड़ा, वो लगा दिया, चिप्पी लगा दी, उसे पक गया। और जब वो खोला तो वो बाहर आ गया चाकू। फिर हम सीधे सुनने यहाँ ले आए, क्योंकि इसका इलाज जो है वो यहाँ पहले लगा हुआ साइकेट्री का। और उसके बाद जब एक्सरे वगैरह कराए तो उसमें और चीज़ें भी आ गई, जैसे चम्मच वगैरह, और ऑपरेशन 3 घंटे हुआ और उसमें 7 चम्मच, 8 चम्मच थे जिसमें कि प्लास्टिक का था, एक छोटा चम्मच था, और एक चाकू, 2 स्क्रू ड्राइवर और एक टीथ वर्स और एक चिटकनी कुंडी लगी था, टूथब्रेसी दी थी गोल टाइप। ठीक है, 14 चीज़ें थी शायद, 14 चीज़ें निकली। उन्होंने ऑपरेशन के बाद दे दिया हमें। ऑपरेशन 3 घंटे का बताया आपने? ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी पेशेंट की हालत ठीक है? कल हुआ। ठीक है, ठीक है। अर्थ प्रकाश के लिए हिमाचल से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।